और चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां वीडी शर्मा साहब क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, आप सुनिए। 10 करोड़ से ऊपर किसानों के खाते में पहुंचाने का एक ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर उठाया। सच्चे अर्थों में अगर हम कहें कि देश के अंदर लोग राजनीति करने का जो प्रयास करते हैं, जैसे किसानों के नाम पर भी लोगों ने जिस प्रकार से राजनीति करने का प्रयास किया, जिसका मैं उल्लेख किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इस भारत के अंदर आजादी के बाद अगर किसी नेतृत्व में काम करने का प्रयास किया है, उनके मान सम्मान के साथ उनके विचारों को जमीन पर कैसे प्रतिपादित करेंगे, तो मुझे कहने में गर्व है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी को दुनिया भर में स्थापित करने के लिए जो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाए, चाहे उनके पंच तीर्थ का विकास हो या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात हो, ये ऐतिहासिक कदम इस देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। हम लोग हमेशा कहते थे कि देश के अंदर अंग्रेजों के निमित्त जो शिक्षा पद्धति अंग्रेज जो चला करके चलेगा उसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद किसी ने इस पर विचार चर्चाएं बहुत होती रही, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आज के भारत के अनुरूप बननी चाहिए, मुझे आप सब मीडिया के मित्रों को बताने में इस बात का गर्व है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसका उल्लेख किया कि देश में देश की शिक्षा में भारत की मिट्टी की सुगंध से सुवासित शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार देश के अंदर हुई है और एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा होने के बाद देशव्यापी मंथन